Hello dear students, today we are going to start my subject of class 5th. So if you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue dear students. So dear students, in my previous video, we have completed exercise number 5.3 and today we are going to start next exercise of this lesson. So first of all, we have to learn some things before start exercise as a multiplication of fraction. But so now we have to learn that how can we find the product of two or more than two fractions. Okay, जैसे multiplying a fraction by a whole number. यानी यहाँ पर हम करना सीखेंगे एक whole number की multiply एक fraction से. ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम करना सीखेंगे मल्टीप्लाइंग ए फ्रैक्शन बाय अनोदर फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. उसके बाद बच्चों आगे है मल्टीप्लाइंग ए फ्रैक्शन बाय ए मिक्स फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के हम एक मिक्स फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना यहाँ पर सीखेंगे. ठीक है, सो एवरीथिंग आई विल क्लियर यू इन द एक्सरसाइज नंबर 5.4. सो लेट्स कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स. तो बच्चों I will teach in my notebook. You have to look in my notebook as exercise 5.1 and question number 1 is multiply and write your answer in lowest form. तो बच्चों ये कह रहा है कि multiply कीजिए and write your answer, अपने उत्तर को write कीजिए, लिखिए in lowest form में. तो बच्चों हमें lowest form में write भी करना है, multiply भी करनी है. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो. तो बच्चों exercise हमारी 5.4, एक्सरसाइज 5.4, नंबर 1 है और इसका ए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5/6 मल्टीप्लाई 18. ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई 18. अब बच्चों देखिए, अब हम जो है होल नंबर की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, होल नंबर की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से. तो हमें बच्चों होल नंबर के अपॉन में 1 मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है. ठीक है, उसे हम राइट नहीं करते हैं और राइट कर भी सकते हैं. तो बच्चों अब देखिए 6 से हम ऊपर चेक करेंगे कि कोई नंबर डिवाइड है या कोई ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे संख्याएं डिवाइड हैं. तो जैसे बच्चों 6 से हम देख सकते हैं कि 6 की टेबल में 18 आता है, तो 6 3 18 हम यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, 6 3 18, तो ये हमने 6 से ऊपर काट दिया. हम इधर भी काट सकते हैं, यहां भी काट सकते हैं. ठीक है, यहां से इधर भी काट सकते हैं. अब बच्चों 5/, बच्चों इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में यानी ये कट गया है, लेकिन जहां पर पूरा कट जाता है वहां पर 1 बचता है. क्या बचता है, 1. फिर मल्टीप्लाई, यहां पर बच्चों 18 के स्थान पर क्या हुआ, 3/1. ठीक, क्लियर हो गया. अब बच्चों हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कुछ कट तो नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे 5 3 15 और 1 1 1, और बच्चों 1 को अपॉन में लिख भी सकते हो, नहीं भी, तो मैंने यहां पर 1 को छोड़ दिया है. तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर. क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है, आगे चलते हैं. तो बच्चों जैसे बी क्वेश्चन हमें दिया है 8/15 मल्टीप्लाई 0. तो बच्चों आई टोल्ड दैट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग विद 0 विद एनी नंबर और एनी फ्रैक्शन, सो वी विल गेट इन आंसर 0 ओनली. ठीक है, यदि हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं, ठीक है, या किसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं, तो हमें 0 ही मिलेगा. तो हमें क्या राइट कर देना है, 0. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो समझ लो आंसर हमारा 0 है. उसके बाद सी है बच्चों 3/11 मल्टीप्लाई 1 है. ठीक है, तो बच्चे 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 3/11 ही रहेगा. ठीक है, एक डी वाला है वो आप कर लेंगे, मैं ई वाला बता रहा हूँ. ठीक है, ई वाला है 2/3 मल्टीप्लाई 9/10. दिस टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, जैसे 2/3 ए फ्रैक्शन एंड 9/10 इज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई किसी से कट रहा है नहीं. जैसे 3 3 9 हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं,
ये ऐसे भी काट सकते हैं कि 3 से 9 भी कट रहा है और 3 भी कट रहा है, तो 3 से 9 3 बन जा 3, ऐसे भी काट सकते हैं। अब जैसे 2 से हमारा 2 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है, यानी 2 और 10 2 की टेबल में आता है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो बच्चों यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई यहां पर क्या बचा 3 अपॉन 5, यही तो बचा। अब आमने सामने की मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर, मैं जी करा देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी है 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 25। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 और 11 11 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 11 से काटेंगे हम, 11 बन जा 11, 11 टू जो 22, ठीक है, और 3 और 25 नहीं कट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक कोई कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। अब ये क्या हो गया, 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 25। अब आमने सामने क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 एंड 1 25 25, इट इज आवर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आई पर, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आगे है बच्चों 2 होल 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 होल 1 अपॉन 2। तो बच्चों यहां पर वी आर मल्टीप्लाइंग ए मिक्स फ्रैक्शन विद ए मिक्स फ्रैक्शन, यानी हम एक मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई विद मिक्स फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन के होल हैं उनको ओपन कर लेना है, जैसे 2 होल 1 अपॉन 3 है तो इसका होल खोल लेंगे, तो बच्चों 3 2 6 हो गए और 1 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हो गया 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 5 10 हो गया और 1 11 अपॉन 2 हो गया। अब यहां बच्चों कुछ कट रहा है आपस में, कुछ नहीं कट रहा है, देखो 7 और 2 या 11 और 2 या 11 और 3 या 7 और 3 में कोई भी ऐसा कोई कॉमन टेबल नहीं आ रही जो इनको काट दे, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 के 11 से मल्टीप्लाई 7 11 जो 77 एंड 3 2 जो 6। अब बच्चों 77 अपॉन 6 है तो इसे हम होल में चेंज कर सकते हैं, तो 77 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 बचा 1 7 राइट कर लिया, 6 2 जा 12 अब कितने बचे, 6 2 जा 12 अब कितने बचे, 7 5 2, ठीक है। तो यहां बच्चों हम कैसे राइट करेंगे, तो 12 हमारा तो होल आ जाएगा, यानी ऐसे राइट कर देते हैं 12 होल 5 अपॉन 6 12 होल 5 अपॉन 6, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों एक और कराता हूं मैं, इसका के करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर के करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर के है 1 होल 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 होल 1 अपॉन 3, ठीक, फिर से इसके हमें होल खोल लेने हैं बच्चों, तो 5 1 जो 5 और 2 कितना हो गए, 7 अपॉन 5 हो गया, अपॉन में वही रहता है बस, जो हमने जोड़ मल्टीप्लाई और ऐड करके किया वो ऊपर आता है, ठीक है, जैसे 5 1 जो 5 और 2 7 तो 7 ऊपर ऐड कर देंगे, अपॉन में तो वही रहना है, 3 3 जो 9 और 1 10, ठीक है, तो 10 हो गया, अपॉन में 3 रहेगा तो ऊपर आ जाएगा 10 और अपॉन में 3। अब देखो 5 और 10 5 के टेबल में आते हैं तो हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10 5 1 जा 5। अब 7 और 3 तो कट ही गया, किसी और कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ये 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 हो गया है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आमने सामने 7 2 जा 14 और 1 3 जा 3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब बच्चों आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब बच्चों यहां पर कैसे सरल करेंगे, जैसे नंबर ए है, सेकंड का ए है 2 अपॉन 3 ऑफ 6। अब बच्चों यहां हमें डिफरेंस किस चीज का दिखाई दे रहा है, ऑफ का। अब ऑफ का मतलब होता है बच्चों का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, यहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो हमें ऑफ हटाना है मल्टीप्लाई लगाना है, जैसे 2 अपॉन 3 ऑफ के स्थान पर मल्टीप्लाई और 6, तो वही क्वेश्चन बन गया, बस खाली ऑफ ही तो था यहां पर, ऑफ हमने हटा दिया मल्टीप्लाई लगा के, क्योंकि ऑफ का मीन मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 2 जा 6 या 3 2 6 3 बन जा 3। अब बच्चों यहां पर 2 अपॉन 1 हो गया और यहां पर 2 अपॉन 1 हो गया, आमने सामने मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 1 बन जा 1
वन को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, अपॉन में हम वन को छोड़ सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया है। चलिए मैं इसका लास्ट डी वाला करा देता हूँ, सब वही है लेकिन ऑफ दे रखा है, ठीक है, टू होल वन अपॉन थ्री ऑफ फोर होल वन अपॉन फाइव। तो सबसे पहले हमें ऑफ हटाना है मल्टीप्लाई लगा के, मैंने हटा दिया है, अब इनके होल खोल लूंगा, थ्री टू या सिक्स और वन सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई फाइव फोर जो ट्वेंटी और वन ट्वेंटी वन अपॉन फाइव। अब बच्चों क्या कर लेंगे, अब हम जो है देख सकते हैं कि थ्री और ट्वेंटी वन, ठीक है ना, किसकी टेबल में आता है, थ्री की। ऐसा नहीं करना है कि सेवन और ट्वेंटी वन आ रहा, हम आमने सामने नहीं काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्री सेवन जाए ट्वेंटी वन, थ्री वन जाए थ्री, तो सेवन अपॉन वन आ गया मल्टीप्लाई सेवन अपॉन फाइव आ गया। अब हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेवन सेवन जाए फोर्टी नाइन और फाइव वन जाए फाइव, होल में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइव नाइन जाए फोर्टी फाइव, फोर रिमाइंडर बचेंगे और अपॉन में फिर तो नाइन होल फोर अपॉन फाइव हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है बच्चे, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट कराई है 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।